नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। असम की तरह उत्तर प्रदेश में भी एनआरसी पर काम शुरू हो गया है। इसके तहत विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने का अभियान शुरू किया जाएगा। डीजीपी ऑफिस की ओर से मंगलवार को सभी जिलों के कप्तानों, आईजी, डीआईजी और सभी एडीजी को इसका मसौदा भेजकर अमल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के तहत बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिक की पहचान होने पर उसके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। पुलिस ने सभी कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी आदेश दिया है कि वह अपने यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पहचान पत्र अपने पास रखे। देश भर में चर्चा का केंद्र बन चुके मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप कांड में एसआईटी को कुछ और बेहद सनसनीखेज सुराग मिले हैं। हनी ट्रैप गैंग से बरामद अश्लील वीडियो के जखीरे में मध्य प्रदेश के एक पूर्व सांसद के 30 वीडियो मिले हैं। पता चला है कि गैंग ने सांसद को इस कदर ब्लैकमेल किया कि सांसद ने खुदकुशी की कोशिश की थी। इसके अलावा इस हनी ट्रैप कांड के आरोप में पकड़ी गई महिलाओं में से दो ने लोकसभा चुनाव के दौरान कई बड़े नेताओं के युवतियों के साथ अंतरंग संबंध वाले वीडियो को 30 करोड़ रुपए में बेचने की कोशिश भी की थी। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान से पहले ही अपने अधिकांश उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने आज 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा शिवसेना ने भी 124 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में एनआरसी जागरूकता कार्यक्रम में कहा कि किसी भी हिंदू, जैन और ईसाई शरणार्थियों को भारत सरकार देश छोड़ने को मजबूर नहीं करेगी। एनआरसी पर राज्य की सीएम ममता बनर्जी द्वारा गुमराह करने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि जो भी हिंदू और जैन शरणार्थी देश में आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी हिंदू शरणार्थी को देश से नहीं जाने देंगे और किसी घुसपैठिए को देश में नहीं रहने देंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों ने 3 निहत्थे पुलिस वालों को मार दिया है। आतंकवादियों ने बिना हथियार लिए पुलिस वालों को गाड़ी से निकाल कर मार दिया। इसके अलावा 2 पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी याचिकाओं का जवाब देने के लिए 28 दिन का समय दिया है। अब इस मामले पर 14 नवंबर को सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले से जुड़ी कोई नई याचिका दाखिल नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधी अधिनियम से जुड़े अपने पहले के फैसले को पलट दिया है। उस फैसले के आधार पर SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश तय किए गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खंडपीठ ने पहले के 2 जजों के खंडपीठ के फैसले को पलटते हुए कहा कि उसे दिशा निर्देश देना ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि यह काम विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को झटका लगा है। फडणवीस ने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी, जिस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने का आदेश दे दिया है। इससे पहले इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फडणवीस को क्लीन चिट झूठे दस्तावेजों के आधार पर दी गई थी, इसलिए इसे रद्द किया गया है। पश्चिम बंगाल के पुलिस अफसर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी समझे जाने वाले राजीव कुमार को शारदा मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। CID के अतिरिक्त निदेशक पर शारदा घोटाले में सबूत नष्ट करने का आरोप है। उन पर आरोप है कि कोलकाता पुलिस के प्रमुख रहते हुए उन्होंने शारदा घोटाले में राज्य सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ सबूत नष्ट कर दिए थे और जांच में पक्षपात करते हुए गलत तरीके से उन्हें बचाया था, जिसको लेकर CBI बीते कई दिनों से उनको तलाश रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी के अब की बार ट्रंप सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल ने विदेश मंत्री S. जयशंकर के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि S. जयशंकर जी का धन्यवाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्षमता को छुपा लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपके हस्तक्षेप से ये सब ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही राहुल ने विदेश मंत्री से कहा कि वो कुछ कूटनीति के बारे में पीएम को भी सिखाएं। बता दें, विदेश मंत्री ने पीएम मोदी के अब की बार ट्रंप सरकार वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि पीएम ने ट्रंप के लिए प्रचार नहीं किया, बल्कि ट्रंप द्वारा 2016 में इस्तेमाल किए गए नारे को बताया था। शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 900 अंकों से ज्यादा लुढ़क गया। दिन के अंत में रिकवरी के बाद जहां सेंसेक्स
361.92 अंक नीचे गिरकर 38,305 पर बंद हुआ, तो निफ्टी भी 114.55 अंक नीचे गिरकर 11,359.90 पर बंद हुआ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत को टीम में जगह नहीं मिली है। पंत की जगह रिद्धिमान साह को मौका दिया गया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।